Hi guys, welcome or welcome back to my channel. You're watching HomanTube और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक जो है हॉल. सो लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वुडन ट्रे. दिस इज रियली रियली गुड. इसका साइज ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है. दिस इज ऑफ मीडियम साइज. इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी. सो लेट मी ओपन द ट्रे एंड शो इट टू यू गाइज. फिनिशिंग के लिए 10/10. मुझे इसका कलर और साइज़ भी बहुत अच्छा लगा. आप इसे एज अ सर्विंग ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं या अगर चाहे तो एज अ होम डेकोर पीस भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी रिसेंटली दिवाली पे इस ट्रे को डाइनिंग टेबल डेकोरेशन के लिए यूज़ किया था. एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. इस टाइप के ट्रे आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है और मल्टीपर्पज़ भी है. यू शुड डेफिनेटली बाय वन. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. लेट मी ओपन द नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर यू गाइस. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वुडन स्पाइस बॉक्स. इसकी फिनिशिंग एंटिक लुक में है और मुझे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा. इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये थोड़ा हैवी है. तो अगर आपको थोड़ा हैवी मसाला बॉक्स लिफ्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं. क्योंकि ये वुड का बना हुआ है इसलिए थोड़ा हैवी है. यहाँ पे इस तरह से लॉक्स भी दिए हुए हैं. जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे 12 स्मॉल ग्रिड्स मिल जाएंगे. यानी कि आप 12 टाइप के मसाले को स्टोर कर सकते हैं. बॉक्स का लिड ग्लास का बना हुआ है. सो यू हैव टू हैंडल इट केयरफुली. स्पाइस बॉक्स के साथ एक वुडन स्पून भी दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. इससे मसाले को निकालना काफ़ी कन्वीनियंट होगा. द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप इस स्पून को बॉक्स में रखकर बॉक्स को क्लोज नहीं कर पाओगे. मुझे ये बॉक्स ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा एंड दिस इज़ अ गुड परचेज. अगर आपको स्पून को बॉक्स के अंदर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है तो आप भी इस बॉक्स को खरीद सकते हैं. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये किचन लाइनर. ये काफ़ी सारे कलर्स एंड डिज़ाइंस में अवेलेबल है. मुझे ये पिंक कलर काफ़ी पसंद आया. इसका साइज़ है 30x500 cm. आप इसे एज अ शू स्टैंड लाइनर या फिर किचन कैबिनेट लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज़ द लाइनर. सो यू हैव टू रिमूव ऑल द ऑयल एंड डस्ट बिफोर अप्लाइंग दिस लाइनर. और आप इसे किसी भी शेप एंड साइज में कट कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट. जो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी. ये PVC मटेरियल का बना हुआ है. इसके साथ ही ये एंटी स्लिप भी है और वाटरप्रूफ भी है. इस प्रोडक्ट की बेस्ट चीज़ ये है कि अगर ये ज़्यादा गंदा हो जाए तो आप इसे वॉश भी कर सकते हो. दिस इज़ टोटली वॉशेबल. अगर आप अपने किचन को ऑयल ग्रीस एंड डस्ट से प्रिवेंट करना चाहते हो तो आप इस टाइप के लाइनर्स को ज़रूर यूज़ करें. आप इसे कैबिनेट्स में, ड्रॉर्स में या फिर फ्रिज में भी एज अ फ्रिज मैट यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये ऑयल डिस्पेंसर. आप इसे कुकिंग ऑयल, ऑलिव ऑयल, विनेगर या फिर कोई भी सॉस स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो. ये एक कवर के साथ आता है जो ऑयल को डर्ट से प्रिवेंट करता है. डिस्पेंसर थोड़ा कर्वी शेप में जो आपको ऑयल कितना पोर करना है ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है. मुझे इस डिस्पेंसर की सबसे अच्छी बात ये लगी, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, दूसरा इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तीसरा इसमें यहाँ पे मेजर्स भी लिखे हुए हैं. आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे 100 ml, 200 ml इस तरह से करके ऊपर तक 900 ml तक लिखा हुआ है. दिस बॉटल कैन एक्चुअली स्टोर 1000 ml ऑफ ऑयल. अगर ऑयल ख़त्म हो रहा है तो आपको दूर से ही दिख जाएगा कि कितना बचा है. इसके साथ ही ये हाई क्वालिटी फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है और BPA फ्री भी है. सो मुझे तो ओवरऑल ये डिस्पेंसर बहुत ही अच्छा लगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये वुडन चॉपिंग बोर्ड. ये एक एल्यूमिनियम हैंडल के साथ आता है जिससे चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है और अगर आप चाहें तो इसे हैंग भी करके रख सकते हैं. ये एंटी स्लिप चॉपिंग बोर्ड है. इसके साथ ही इसकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है. थिकनेस की वजह से ग्रिप काफ़ी अच्छे से बनती है. ये मीडियम साइज़ का है एंड मेरे हिसाब से 2-4 मेंबर वाली फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है. दिस इज़ वेरी लाइट वेटेड.
इजी टू यूज, सो दिस प्रोडक्ट इज अ 10/10। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही पसंद है। ये है कंटेनर सेट जिसे आप किचन में स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में इस तरह के लिड्स आते हैं जिसे आप कुछ इस तरह से ओपन और क्लोज कर सकते हो। इसके लिड की वजह से चीज़ों को डिस्पेंस करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ये बहुत ही स्मूथ है और आप इसको ईजिली ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। ये कंटेनर काफ़ी सारे साइजेस में अवेलेबल है। मैंने 750 ml, 1000 ml एंड 1500 ml का 6-6 पीसेस का सेट ऑर्डर किया है। लेट मी रिमूव दिस पेपर एंड शो इट टू यू गाइस। जैसा कि आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही क्लियर है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड दिस इज अनब्रेकेबल। आप इस कंटेनर में डेली यूज में आने वाली चीज़ों को जैसे कि शुगर, राइस, सीरियल्स या फिर ऑयल भी स्टोर करके रख सकते हो। इस कंटेनर से पोर करना काफ़ी इजी है। जो कंटेनर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ दिस इज 750 ml एंड दिस प्रोडक्ट इज मेक इन इंडिया। इस प्रोडक्ट की बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसे स्टैक करके भी रख सकते हो और ये आपकी किचन में बहुत ही कम स्पेस लेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होता है। इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को 10/10 दे रही हूँ। आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर खरीदना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये भी एक कंटेनर सेट है जिसे आप किचन में एज अ स्टोरेज यूज कर सकते हो। ये कंटेनर सेट ऑफ 6 एंड सेट ऑफ 12 में अवेलेबल है। मैंने 400 ml साइज का कंटेनर ऑर्डर किया है, लेकिन 300, 500, 1000 एंड 1500 ml का कंटेनर भी आपको ईजिली मिल जाएगा। इसका कवर काफ़ी स्टर्डी है और गोल्ड कलर में है, मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। दिस इज़ अ ग्लास कंटेनर, तो आपको इसे थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होगा, लेकिन ग्लास की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप इस कंटेनर में जिस भी चीज़ को स्टोर करेंगे वो क्लियरली विजिबल होगा और इसके साथ ही ये कंटेनर आपके किचन को बहुत ही ट्रेंडी लुक भी देगा। तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जिनको रिसेंटली मैंने अपने किचन में यूज़ करने के लिए परचेस किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स को अपने किचन में रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरा हैंडल है होम ऑन ट्यूब। स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैं अपने डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।